जय कलाम जिंदाबाद जिंदाबाद भैया संसद जाएगा भैया संसद जाएगा। कन्हैया जी नमस्कार। नमस्कार। रोड शो कैसे चल रहा है चुनावी क्षेत्र में, कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, माहौल अच्छा है, लोगों में उत्साह है और लोगों के आंखों में जो है प्यार दिखता है। कुछ लोग हैं बहुत थोड़े से जो मुंह फेरने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि अंदर से उनका भी दिल शायद ये मान रहा हो कि जो देश के हालात हैं वो ठीक नहीं हैं, तो इस बात को शायद वो भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। कन्हैया जी, कॉमरेड कन्हैया, ये चुनाव की तैयारी कब से हो रही है? चुनाव की तैयारी सच नहीं हो रही थी, हम लोग जो है एक संघर्ष में हैं, एक लड़ाई में हैं और चुनाव भी उसी का एक हिस्सा है, इसकी अलग से कोई तैयारी नहीं है। वैसे अगर आप औपचारिक तौर पे कहेंगे तो 2 अप्रैल से जो है जब से नोटिफिकेशन आया है तब से वो सारी चीज़ें जो हैं वो लागू हो रही हैं और 9 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया है, अब हम एक औपचारिक कैंडिडेट हैं सिंबल के साथ। 2016 में जब से हमला हुआ आपके ऊपर बेहिसाब तरीके से और आप उभर के एक पूरे उम्मीद के एक प्रतीक बन गए, उस वक्त इरादा बना था क्या चुनाव का? नहीं नहीं, उस समय नहीं था। ये चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिकली अपने आप जीवन की जो स्वाभाविक गति है, जो एक नेचुरल मोशन होता है, वो होते चला गया और हमको लगता है कि एक घटनाक्रम से दूसरी घटनाक्रम जुड़ जाती है, क्योंकि वो एक बड़ा इंसिडेंट है मेरे लाइफ का। जेल गए पहली बार, चुनाव भी लड़ रहे हैं पहली बार, तो निश्चित रूप से जो है इसका आपस में कनेक्शन है, लेकिन इसका कोई आधारभूत कारण नहीं हम मान सकते हैं कि जेल गए इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये परिस्थिति जन्य है, परिस्थिति की वजह से जो है जेल भी गए, परिस्थिति की वजह से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मंजिल कहाँ है? मंजिल तो वही है कि भारत का जो संविधान है उसके जो मूल हैं, प्रस्तावना में लिखे हुए जो एक एक शब्द हैं, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने की जो का जो उद्देश्य है, उसकी जो संकल्पना है, उसी के लिए लड़ेंगे जीवन पर्यंत। और ये ऐसा तो है नहीं कि एक चुनाव में ये हो जाएगा, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो लेकिन ये लड़ाई इतनी आसानी से जीत ली जाएगी ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि उस लड़ाई की दिशा में ये एक अगला कदम होगा, ये जो है एक उस कोशिश को जो है ये एक मजबूत करने वाली बात साबित होगी। ये पूरा 2019 का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? आज खबरें आ रही हैं कि सहारनपुर से लेकर आंध्र प्रदेश में 132 के ऊपर EVM में खोट आई है, मशीन सीज किया गया है और अभी मेरे पास खबर है कि भारत माता चौक सहारनपुर में पूरा बूथ कैप्चर हो गया है रूलिंग पार्टी के जरिए। देखिए, मुझे तो इस खबर की जानकारी नहीं है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद ये चारों ही चीज़ का इस्तेमाल करेगी और ये जो है उसी रणनीति का हिस्सा है। चुनाव में जो है रिक करने की कोशिश करना, हिंसा फैलाने की कोशिश करना, अब आप देख लीजिए कितनी शर्मनाक बात है। देश के प्रधानमंत्री हैं और चुनाव आयोग जो है उनको नोटिस शुरू कर रही है। साफ साफ चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप अपने चुनावी भाषणों में सेना का नाम नहीं लें। लगातार जो है इनके पोस्टरों में पुलवामा की जो दर्दनाक घटना है उसका जिक्र किया गया और सेना की शाबाशी को अपनी बहादुरी बना कर के जो है ये गिनाते रहे, अभी जो इनको नोटिस शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ना इनको डेमोक्रेसी में भरोसा है, ना जो है इनको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में भरोसा है। मजबूरी में जो है ये लोकतंत्र में है, जिस दिन इनकी मजबूरी समाप्त हो जाएगी उस दिन ये लोकतंत्र को भी समाप्त कर देगी। उत्साह बेहिसाब है, हम देखे हैं, हम घूमे हैं, गाँव में गए हैं और अभी जिस तरह आपका नॉमिनेशन की रैली हुई, जिसका नॉमिनेशन की पूरा मैदान में आपका प्रदर्शन हुआ, उससे लग रहा है कि नौजवान हर जात जमात का ऐसा लग रहा है कि बस कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कुछ अगले 8-10 दिनों में आपको कुछ लग रहा है कि और सावधान रहना चाहिए कई चीज़ों के लिए? बिल्कुल, कई चीज़ों को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। जनता में जो उत्साह है
उस उत्साह को डिसमेंटल करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी वो शुरुआती दौर में अफवाह का इस्तेमाल किया जाएगा। तरह तरह के अफवाह, तरह तरह के सगुफे जो हैं वो छोड़े जाएंगे। कहीं जो है दलित बस्तियों में जा कर के मुझे दलित विरोधी बताया जाएगा, भूमिहार बस्ती में जा कर के भूमिहार विरोधी बताया जाएगा, हिंदुओं की बस्ती में जा कर के हिंदू विरोधी बताया जाएगा, मुसलमान की बस्तियों में जा कर के मुसलमान विरोधी बताया जाएगा। और ये सब काम करने के लिए जिन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा वैसे लोगों को ढूंढ करके निकाला जाएगा जिनका हमसे कभी कोई किसी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन रहा हो। उनको पैसे खिला करके, उनको कैरियर का लोभ दे करके ऐसे लोगों को उतारा जाएगा। मॉर्फ वीडियोस का इस्तेमाल करना, मॉर्फ जो है आपको स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना, मॉर्फ पिक्चर का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अभी जैसे एक अफवाह बहुत ज़ोर से चल रही है, तनवीर जी के जो कैंपेनर हैं वो मुसलमान बस्तियों में जाकर कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है, आरएसएस ने इसको उतारा है और जो है आप लोग इसको वोट दीजिएगा, मुसलमान का वोट दीजिएगा तो गिरिराज जो है वो जीत जाएगा, मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा। और गिरिराज जी का कैंपेनर भूमिहार बस्ती में जाकर के कह रहा है कि ये जो है देखिए तो महागठबंधन का ही आदमी है, ये तो लालू जी का पैर छूता है, इसको तो जो है भूमिहार का कोई दर्द नहीं है और आप जो है इसके चक्कर में भूमिहार का वोट बांटिएगा तो मुसलमान जीत जाएगा। अब आप खुद बताइए ये दोनों बात कैसे एक ही साथ एक ही वक्त में कैसे सच हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। मुझे नहीं लगता है कि अफवाह से भी ये जनता के आत्मविश्वास को, उनके प्रवाह को और उनके उत्साह को ये तोड़ पाएंगे। फाइनली जो है ये कुछ और तरकीब अपनाएंगे। कई चीज़ें होती हैं चुनाव को प्रभावित करने की, वो कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग विजिलेंट हैं। बीच में जो है रामनवमी है उसको लेकर के भी हम लोग सतर्क हैं कि किसी तरीके से जो है दंगा फसाद की कोशिश ये ना करें। तो हम लोग अपनी तैयारी में हैं, अपनी कोशिश में हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। आपने आज़ादी स्लोगन को बिल्कुल एक कॉमन मैन स्लोगन बना दिया और मैंने आपके भाषण में सुना कि आर्टिकल 370 को लेकर आपने किस आराम और साधारणपन से लोगों को समझाया कि जिस तरह गलत प्रचार आरएसएस करती है वो सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए होता है। ये आप में क्षमता किस तरह आती है कि जनता के सामने कोई भी सवाल आप लेके जाते हैं? देखिए लोगों के साथ अगर आप ऑर्गेनिकली कनेक्टेड हैं तो वो कैसे सोचते हैं ये आपको पता चल जाएगा। फिर उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके टर्म्स क्या होंगे, किस तरीके की शब्दावली का आप इस्तेमाल करेंगे, वो अपने आप हो जाता है। अब 370 को लेकर के देख लीजिए कितना मज़ेदार है, पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि हम 370 ख़त्म करेंगे और इनका खुद का विधायक जो है J&K का कह रहा है कि नहीं तो हम 370 नहीं ख़त्म होने देंगे। तो इनकी ये आदत है। बाकी देश में कहेंगे कि जो है बीफ बैन होना चाहिए और गोवा में कहेंगे कि हम बहुत अच्छा क्वालिटी का बीफ केरल से ला करके देंगे। तो ये इनकी दोहरी नीति रही है हमेशा से। आज़ादी स्लोगन का जहाँ तक सवाल है, आज़ादी स्लोगन हम कह रहे हैं कि आज़ाद देश में हमको गरीबी से आज़ादी चाहिए। अब तो भाजपा भी जो है ये स्लोगन लगा रही है। गिरिराज सिंह आए तो उनके समर्थक सबसे पहले आज़ादी गाना ही गा रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो अपनी सोच की बात करेंगे। वो जो है नफरत भेदभाव इन चीज़ों को स्थापित करने वाली बात करेंगे, इनसे आज़ादी की बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आपको बस हमारी सबकी शुभकामनाएं।